अभ्युदय ट्यूशन क्लासेस समास भाग एक। समास एटले के समवत्तास, जेमा सम एटले के सरखू अने आस एटले के गोठवणी। पदोनी योग्य गोठवणीनी व्यवस्था एटले समास। जुदा जुदा अर्थवाळा बे के तेथी वधु शब्दों जोड़ाईने नवा अर्थवाळो एक शब्द बनावे तेने समास कहेवामां आवे छे। नवा रचायेल पदने समस्त पद के सामासिक पद कहेवामां आवे छे। शब्दोनी करकसर अने कहेवानी वातने संक्षेपमां रजू करवानी रीत जे छे ए समास द्वारा व्यक्त करी शकाय। आ समासनी अंदर समास विग्रह शुं छे? तो के सामासिक पदमां ज्यारे बे पदो होय त्यारे पहेला पदने पूर्वपद अने बीजा पदने उत्तरपद कहेवामां आवे छे। जे सामासिक पदमां बे थी वधु पद होय तेमां प्रथम पदने पूर्वपद अने छेल्ला पदने उत्तरपद कहेवामां आवे छे। पूर्वपद अने उत्तरपदनी वच्चेना पदने मध्यमपद कहेवामां आवे छे। समासना बधाय पदोने एमनी वच्चेनो अने एमनो वाक्य साथेनो संबंध व्यक्त थाय ते रीते छूटा पाडवानी क्रिया समास विग्रह कहेवाय छे। समासनो विग्रह करती वखते तेना पदो वच्चे संबंध दर्शावनार विभक्तिना अनुग मूकवामां आवे छे। जेम के सामासिक पद आपणी पासे छे 3-4, तो तेमा तमे तेनो विग्रह करशो तो प्रथम पद जे छे पूर्वपद ए 3 बनशे अने उत्तरपद बनशे 4, अने तमे विग्रह करीने वच्चे पद मूक्युं छे अनुग तरीके अने लाखू वाक्य बनशे 3 અને 4। समासना कुल 7 प्रकार पैकी आपणे प्रथम वात करशुं द्वंद्व समास, तत्पुरुष, मध्यमपद लोपी समासनी, अने अन्य 4 जे छे उपपद, कर्मधारय अने बहुव्रीही तथा अव्यवी भाव समासनी ए आनी पछीना भागमां वात करीशुं। प्रथम द्वंद्व समास कोने कहेवो? तो के जे समासमां बधा पदो वाक्यनी साथे सरखी रीते जोड़ाया होय एटले के समान मोभाना अथवा मूल्यना होय त्यारे बनता समासने द्वंद्व समास कहेवामां आवे छे। द्वंद्व समासनो विग्रह मोटा भागे अने अने के मूकीने करवामां आवे छे। दाखला तरीके घी केळा, तो घी अने केळा। दंपति, तो पति अने पत्नी। वहेलू मोड़ू, वहेलू के मोड़ू। 10-20, 10-20। बीजो समास छे तत्पुरुष समास। आनी अंदर तमे विभक्ति सूचक शब्दों जे छे अनुगो अथवा नामयोगी वापरी शको छो, जेम के नोनी नूना, थी थकी वड़े, ने माथी, उपरथी, परथी वगैरे। जे समासमां एक पद मुख्य होय अने बीजू पद तेनी साथे विभक्ति संबंधे जोड़ायेलू होय तेने कहेवामां आवे छे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समासनो विग्रह बे पद वच्चे विभक्ति दर्शक अनुग अथवा नामयोगी मूकीने थाय छे। जेम के विद्यार्थी प्रिय, तो विद्यार्थीने प्रिय। आशा भर्या, तो आशा वड़े भर्या। कला पारखू, कला नो पारखू। रणवीर, रणमा वीर। त्रीजो प्रकार छे मध्यम पद लोपी समास, के जेमा मध्यम पद जे छे ए दूर थई गेलू होय जेने आपणे व्यवस्थित उमेरवानुं छे। जेमा एक पद मुख्य होय अने बीजू पद तेनी साथे विभक्ति संबंधे जोड़ायेलू होय तथा बंने पद एटले के पूर्व पद अने उत्तर पद वच्चेथी एक वधु पदनो लोप थयो होय तेने कहेवामां आवे छे मध्यम पद लोपी समास। आ समासनो विग्रह विभक्तिना अनुग के नामयोगी साथे लुप्त थयेला पदो उमेरीने थाय छे। जેમ કે કલ્પવૃક્ષ, તો કલ્પ એટલે કે વિચારથી ફળ આપતું વૃક્ષ। લોકગીત, લોકો વડે રચાયેલું ગીત। મૃગજળ, મૃગને દેખાતું જળ। કાચઘર, કાચથી બંધાયેલું ઘર। ગણવેશ, ગણ એટલે કે સમૂહમાં પહેરાતો પોશાક એટલે કે વેશ। આ સાથે આપને આપવામાં આવેલા અન્ય ઉદાહરણો જે છે એને સમજવા પ્રયત્ન કરશો અને નોટની અંદરથી વ્યવસ્થિત લખી લેશો જેથી આગળ ઉપર આપણને કામ લાગે। આજના આ ટોપિકમાં આપને કોઈ વિગત ન સમજાઈ હોય તો આપ ચોક્કસ વોટ્સએપ કરી શકશો।